हेलो गाइस, वेलकम टू एमएस वर्ड क्लासेस। आज की वीडियो के अंदर हम हेडर एंड फुटर इंसर्ट करने के बारे में सीखेंगे कि अगर हमें हेडर और फुटर इंसर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये ऊपर हमारे इंसर्ट ऑप्शन है, इसके ऊपर हम जाएंगे तो यहाँ पे है हेडर फुटर, इनका एक अलग ऑप्शन बना हुआ है। इसके बारे में आज पढ़ेंगे कि हम हेडर एंड फुटर इंसर्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूँ हेडर और फुटर होते क्या हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये शीट है, थोड़ा जूम आउट कर इन कर देता हूँ, जूम आउट कर देता थोड़ा सा जिससे आपको क्लियर हो जाए, है ना गाइस, थोड़ा जाए और अब ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये जो एरिया है हमारा पैराग्राफ के ऊपर, ये वाला जो मैं माउस से पॉइंट कर रहा हूँ, ये हमारा हेडर का एरिया है और ये हमारा नीचे का एरिया है, ये हमारा फुटर का एरिया है। ओए गाइस, ये हमारा हेडर होता है सबसे ऊपर का हिस्सा और ये हमारा फुटर होता है सबसे नीचे का हिस्सा। ओए गाइस, अब सपोज़ कीजिए मेरे को हेडर इंसर्ट करना है तो मैं ये हेडर पे जाऊंगा और इस पर क्लिक कर दूंगा। तो जैसे मैं हेडर पर क्लिक करूंगा मेरे पता डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, इसमें बिल्ट इन्स हैं कि कौन कौन से टाइप का आपको हेडर चाहिए। तो हम सबसे पहले आपको सिखाने के लिए सबसे पहले एक सिंपल सा हेडर लेते हैं, जिसमें जैसे ही हमने इसको क्लिक किया तो हमारा एक हेडर इंसर्ट हो चुका है और इसके ऊपर लिखा है टाइप टेक्स्ट। तो इसके अंदर हम कुछ ले सकते हैं, दिस इज कॉल्ड हेडर। ओए गाइस, अब सपोज कीजिए मेरे को हेडर बंद करना है तो ये बंद हो गया। आप देखें जैसे हमने हेडर इंसर्ट किया था हमारे बाकी के जो पैराग्राफ्स थे वो विजिबल नहीं थे, इनविजिबल हो गए थे, लाइट हो गए थे। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये वाला एरिया जो है लाइट हो गया और हमारा हेडर वाला एरिया डार्क हो गया। लेकिन जैसे ही हमने हेडर बंद किया हमारा ये हेडर वाला एरिया लाइट हो गया और बाकी पैराग्राफ हमारा जो है वो डार्क हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि हेडर जो होता है किसी को इंडिकेट करने के लिए होता है, तो इसलिए इसकी वर्डिंग हमेशा लाइट रहती हैं। सपोज़ कीजिए आपको पेज नंबर मेंशन करना है अपनी शीट का कि कौन सा पेज नंबर चल रहा है, कौन सा नहीं कर रहा चल रहा है, तो हेडर इसलिए यूज़ आता है। सपोज़ कीजिए मैंने इसमें दिस इज़ कॉल्ड हेडर करके एक हेडर इंसर्ट किया, तो हमारी बाकी शीट्स पे भी देख रहे हैं आप, हमारी बाकी शीट्स पे भी ये अप्लाई हो चुका है। तो मेन ज़्यादातर ये पेज नंबर डालने के काम आते हैं कि कौन सा पेज नंबर चल रहा है, मेन ज़्यादातर ये अप्लाई उसी चीज़ के लिए होती है। या हमारा कोई कॉन्सेप्ट सिखा रहे होते हैं, कुछ कोई चैप्टर चल रहा होता है उस चैप्टर का नाम लिखना हो और वो हर शीट पे अप्लाई करना हो तो उसके लिए, तो मतलब बहुत चीज़ों के लिए अप्लाई होता है। मैंने तो वो गिनती की दो चीज़ें गिनवाई हैं। ओके गाइज, तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा हेडर है। अब इसके ऊपर हमें को जाना है, तो मैं जैसे ही इसके ऊपर जाता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करते ही हमारे पास एक एडिट हेडर करके ऑप्शन आता है, उसके ऊपर क्लिक कर दो तो हमारा वही हेडर अप्लाई हो जाता है। और यहाँ पे जैसे ही अप्लाई होता है इसका पूछ एडिटिंग करके आप क्लोथ हेडर एंड फुटर देख रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारा हेडर जो है वो बंद हो जाता है। ओके गाइस, और सपोज़ कीजिए हमें फुटर अप्लाई करना है तो हमें कुछ नहीं करना है, इंसर्ट में जाना है, वहीं पर फुटर डाल के ब्लैंक में फुटर पर क्लिक कर देना है, दिस इज कॉल्ड फुटर। ओके गाइज, तो आप देख रहे हैं कि हमारा ये फुटर भी इंसर्ट हो गया है हमारी एमएस वर्ड फाइल में। और सपोज़ कीजिए कि हमें सेकंड शीट पर देखना हो तो आप देख रहे हैं कि हमारा फुटर इस पर भी अप्लाई हो गया है। तो जैसे जैसे आप ये हेडर एंड फुटर डालते हैं तो ये बाकी सारी शीट्स पे अप्लाई हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब सपोज़ कीजिए ये हेडर है। ओके गाइस, अब मेरे को ये हेडर हटाना है तो मैं वो कुछ नहीं करके ऊपर डबल क्लिक कर दो, लेफ़्ट डबल क्लिक करेंगे आप, लेफ़्ट डबल क्लिक करते ही ये हमारा हेडर जो है वो ऑनलाइन आ जाता है। या आप राइट क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं, जैसे ही आप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ऐसे हमारे पास हेडर आता है, ये एडिट करने के लिए होता है ओनली। ओके गाइस, ये मैंने आपको शॉर्टकट की और बताई है, तो इसके ऊपर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे आप, उसके बाद जैसे ही आप ये हेडर देख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं जो मैंने राइट क्लिक किया था तो एडिट हेडर लिखा आया था। अगर आप वो ना करना चाहें तो आप इंसर्ट में जाके हेडर का ऑप्शन क्लिक करके जब डायलॉग बॉक्स अपीयर तो उसके ऊपर एडिट हेडर लिख के उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं,
तो हम उसमें भी एडिटिंग कर सकते हैं, ऐसी सेम हम फोल्डर में भी कर सकते हैं। ओके गाइज, तो जैसे हम इंसर्ट पे जाते हैं, देन ये हेडर है, और सपोज़ कीजिए आपको हेडर नहीं चाहिए, तो एडिट हेडर की जगह आपको रिमूव हेडर लिखा हुआ आ रहा है। ओके गाइज, ये रिमूव हेडर है, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो हेडर है वो इससे ही हर शीट से हट जाएगा और एक बार आपका फुटर बचेगा, देख सकते हैं ना आप। तो ये होता है हमारा हेडर और फुटर इंसर्शन और रिमूव। जैसे सपोज मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, जैसे हमारा हेडर आया, कंट्रोल प्लस जेड हमारी अंडू की थी, हेडर पर क्लिक किया, रिमूव हेडर, रिमूव हेडर, ऐसे ही हमारा फुटर है, फुटर पर क्लिक करेंगे, रिमूव फुटर, हमारा फुटर भी जो है वो हट गया। आप देख सकते हैं कि हमारा फुटर भी हट गया है, जैसे हमने हेडर हटाया वैसे ही हमने फुटर हटा दिया। ओके गाइस, सो ये थी हमारी एमएस वर्ड की वीडियोस के अंदर, हमने यह सीखा कि हेडर और फुटर हम अप्लाई कैसे करते हैं, इसको इंसर्ट कैसे करते हैं, इसमें एडिटिंग कैसे करते हैं, इसको रिमूव कैसे करते हैं। तो अब ये हेडर है, सपोज़ कीजिए इसके अंदर हेडर पे आप क्लिक करेंगे और इसके अंदर ना हमें कोई और स्टाइल्स लेनी है, बिल्टिज जो है हमें ये लेनी है, तो हम कोई और बिल्टिज लेके भी हम इसके ऊपर कर सकते हैं। जैसे दिस इज़ कॉल्ड पेज वन, ओके गाइस, सो ये हमारा आ गया। आप देख रहे हैं ये हर शीट पर लिखा आएगा, तो हम अलग अलग बिल्ट इन लेके भी इसको कर सकते हैं, और आपको जो स्टाइल पसंद हो आप वो वाला स्टाइल अप्लाई करके अपनी एमएस वर्ड को और खूबसूरत बना सकते हैं, या और डिस्क्रिप्शन देके अपनी एमएस वर्ड को और अच्छा बना सकते हैं। सो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आएगी। कोई भी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। गाइज थैंक्स।